सच में प्रभु हम आपके बिना बस अधूरे नहीं लेकिन टूटे हैं। आपके बिना प्रभु हम सड़ गए हैं प्रभु। आप ही हमारा मृत जीवन में नया जीवन लाते हैं प्रभु। हम आत्मिक सच्चाइयों के प्रति मरे हुए हैं। जो हमें जानना है वो नहीं जानते हैं, जैसा हमें चलना है वैसा नहीं चलते हैं। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें वो नया जीवन और भी दीजिए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जैसे हम बपतिस्मा में जाने वाले हैं समझ बूझ के प्रभु, बस समझ के साथ नहीं लेकिन हम ये सब जान रहे हैं ताकि हम विश्वास में बढ़ सकें और अनुग्रह में बढ़ सकें। तो यहाँ पे आज हम में से हर एक से बातें कीजिए प्रभु, ताकि ये निर्णय में हम और भी प्रभु ठोस हो सके, ये निर्णय में हम और भी पक्के हो सके, और जो कुछ भी हमें करना बाकी है तैयार होने के लिए वो सब हम कर सकें। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से ही प्रार्थना करते हैं। आपके लहू के यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं और आपकी बुद्धि और प्रकाशन की आत्मा को मांगते हैं। आमीन। पहला कुरिन्थियों का 10:1-5। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस बात से अज्ञान रहो कि तो पहला चीज़, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी विश्वासी, खासकर क्रिश्चियन लाइफ, बैप्टिज्म के बाद का लाइफ के विषय में अज्ञान रहे। बैप्टिज्म के बारे और बैप्टिज्म के बाद का लाइफ के विषय में हम लोग को अज्ञान नहीं रहना है, राइट? कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्रों के बीच से पार, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। वो क्लियरली यहाँ पे बता दे रहा है कि बाइबल में अभी तक जो हुआ था, जो जितना हम लोग पुराना नियम देखे, वहाँ पे बपतिस्मा था, वहाँ पे बपतिस्मा हुआ था, और बपतिस्मा के बाद बपतिस्मा का और बपतिस्मा के बाद का जीवन के बारे बपतिस्मा के बारे में और बपतिस्मा के बाद के जीवन के बारे में पूरा बताया गया है। इसलिए उस विषय में हम लोग को अज्ञान नहीं होना है, क्योंकि बपतिस्मा के दौरान और उसके बाद में हम लोग कुछ कुछ अनुभव करेंगे और बाइबल ये सब कुछ के बारे गवाही दिया है। अगर हम लोग ये नहीं समझेंगे तो बाद में हम लोग वो सब चीज़ से गुजरेंगे और हम लोग सवाल पूछेंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, हम तो बपतिस्मा ले चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग को अज्ञान नहीं रहना है। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे और उनके साथ साथ जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर ने उन उनमें के बहुत तेरे से प्रसन्न ना हुए, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। तो क्या क्या, वापस वर्स 2, राइट? सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, राइट? बादल और समुद्र, दो अलग अलग चीज़ों में ये लोग बपतिस्मा लिया, राइट? और एक विश्वासी नया नियम में उसके लिए क्या क्या बपतिस्मा है, राइट? जल और पवित्र आत्मा। एक और बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा, और शहीद होने का भी बपतिस्मा है, लेकिन उसके बारे नहीं पढ़ रहे। लेकिन ये बेसिक दो बपतिस्मा जो हर एक विश्वासी के लिए, राइट? ये हर एक विश्वासी के लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये पहला पीढ़ी इन बपतिस्मों से होके गया था, और उसके बावजूद वर्स 5, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं थे और वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर का प्रसन्न नहीं होना, मतलब जब भी हम लोग देखते हैं ना, परमेश्वर गुस्सा थे। बाइबल में कभी भी पढ़ोगे पुराने नियम में, परमेश्वर गुस्सा थे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, तो उसका क्या मतलब है? हिब्रूज 10:38, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से चलेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन क्या से पीछे हट जाए? विश्वास से चलने से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यानी कि अगर परमेश्वर कभी भी बाइबल में गुस्सा हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि वो व्यक्ति विश्वास से पीछे हट गया था, पीछे हट गया था। इट वॉज परमेश्वर को मूड स्विंग्स नहीं होता है, कोई मेरा नींद खराब कर दिया, आज मेरा पूरा दिन मूड खराब है, नहीं, परमेश्वर को वैसा मूड स्विंग्स बिल्कुल नहीं होता है। तो जब भी परमेश्वर, इनफैक्ट परमेश्वर नया नियम में बोलते भी हैं मती में कि अगर कोई बिना कारण का गुस्सा होता है तो वो मृत्यु दंड और नरक के योग्य है, राइट? तो परमेश्वर खुद कभी भी बिना कारण का गुस्सा नहीं होता है। एंड यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर परमेश्वर किसी से प्रसन्न नहीं है क्योंकि वो विश्वास से पीछे हट रहा है, विश्वास में चलने से पीछे हट जाता है। नेक्स्ट वर्स, दिस इज सो दैट वेन यू रीड द बाइबल कि परमेश्वर गुस्सा हुए, यू अंडरस्टैंड, उसको अप्लाई कर सकते हैं हम लोग अपने लाइफ में, बस एक ऐतिहासिक कहानी के रूप में नहीं। पर हम हटने वाले नहीं, मतलब हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हटने वाले हैं,
कि नाश हो जाए। यानी कि एक व्यक्ति अगर पीछे हटते गया पीछे हटते गया पीछे हटते गया, कहाँ तक पीछे हट सकता है? नाश तक पीछे हट सकता है विश्वास में आने के बाद, राइट? बैक टू 1 Corinthians 10:5 ही पढ़ लेना। इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे और वो जंगल में ढेर हो गए, राइट? लाइक मर गए। ओके, सो किससे वो प्रसन्न नहीं होते हैं? जो विश्वास से पीछे हटते हैं। और पीछे हटते हटते एक आदमी कितना पीछे हट सकता है? नाश तक। और इनमें से बहुत लोग नाश तक पीछे हट गए, जब तक कि वो लोग मर गए। बैक टू Hebrews 10:39 जो पढ़ रहा था, हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं, यानी कि विश्वास से चलने वाले हैं कि प्राण अंत तक बचाया जाए, प्राण अंत में बचाया जाए। Matthew 24:13, जो अंत तक धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा, उसी का उद्धार होगा। Endure till the end, he will be saved. He who endures till the end will be saved. Right. Now, हम लोग का पहला बाइबल स्टडी 2 हफ्ता पहले जो हुआ था, उस बाइबल स्टडी में हम लोग देखे थे कि बैप्टिज्म अपने आप में एक मुकाम नहीं है, अपने आप में एक एंड नहीं है, वो फिनिश लाइन नहीं है, वो एक्चुअली एक स्टार्टिंग लाइन है, राइट? वो एक्चुअली एक एंड नहीं, एक बिगिनिंग है। ओके, मसीही ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक मोड़ बोल सकते हैं, लेकिन वो फिनिश लाइन बिल्कुल नहीं। क्योंकि फिर हम 2 हफ्ता पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे मसीह में बपतिस्मा के द्वारा हम लोग उसका मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ पहचान करते हैं। मीन्स दैट इज़ लाइक अ स्टार्टिंग, अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर अस, वी एंटर इन टू डेथ एंड रिजरेक्शन। तो ये वाला चीज़ को हम लोग को मन में तोड़ना है कि आई एम रीचिंग अ फिनिश लाइन, आई एम रीचिंग वन बिग फिनिश लाइन अपना क्रिश्चियन लाइफ में। मतलब बैप्टिज्म हो जाएगा तो दैट्स इट, बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा चर्चेज में एंड बहुत सारे बिलीवर्स का ऐसा थ्योरी है बैप्टिज्म के बारे में कि बैप्टिज्म ले लिए तो सब कुछ हो गया, नाउ आई हैव रीच समवेयर। जबकि एक्चुअली बैप्टिज्म इज लाइक हम एक दरवाज़ा खोल के अंदर जा रहे हैं, वो एक एंट्रेंस है एक नया लाइफ में। अभी शुरुआत होगा, अभी शुरुआत होगा तुम लोग का, राइट? तो दैट इज़ वन थिंग जो हम लोग को मन में, इसके बारे अज्ञान नहीं रहना है। दूसरा चीज़ हम लोग पिछले हफ्ता देखे कि बैप्टिज्म एक बस एक सैक्रमेंट नहीं है। यानी कि बैप्टिज्म, हम लोग विश्वास के विषय में देख रहे थे कि बैप्टिज्म एक ऐसा चीज़ नहीं है, जिस एक ऐसा विधि नहीं है, एक ऐसा रीति नहीं है जिसमें अपने आप में ही कुछ सामर्थ्य है कि जो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है उसका विश्वास हो चाहे नहीं, बपतिस्मा उसको शुद्ध कर देगा, बपतिस्मा उसको पवित्र कर देगा, बपतिस्मा उसमें विश्वास डाल देगा, बपतिस्मा उसको बचा देगा। बपतिस्मा में अपना कोई सामर्थ्य नहीं है जो उस व्यक्ति में काम करेगा उसका विश्वास से अलग। यू अंडरस्टूड? यानी कि जो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है अगर वो विश्वास नहीं कर रहा है तो बपतिस्मा उसमें काम नहीं कर सकता है। यू अंडरस्टूड? बपतिस्मा बस उसका कपड़ा भींगा सकता है, उसको अच्छा सा पब्लिक सेरेमनी दे सकता है, और कुछ नहीं करेगा बैप्टिज्म उसमें। लाइक यू मस्ट हैव सीन कार्टून्स एंड सीरियल्स एंड स्टोरी बुक्स जिसमें कोई चीज़ है, या मतलब जो बहुत लोग ट्राई कर रहे हैं एंड वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है या वो मैजिक चीज़ काम नहीं कर रहा है, तब अचानक से एक गरीब लड़की उसको उठाती है और अचानक से वो मैजिक काम करता है। दैट इज़ हाउ इट इज़ विद बैप्टिज्म। जब तक वो व्यक्ति जो बपतिस्मा ले रहा है वो विश्वास नहीं करेगा, बैप्टिज्म उसके लिए काम करेगा ही नहीं। इट्स नॉट कि बैप्टिज्म में अपने आप वो सामर्थ है। यू अंडरस्टूड? बैप्टिज्म सामर्थ का काम करेगा हम लोग के अंदर, परमेश्वर का काम हम लोग के अंदर करेगा अगर हम लोग में विश्वास है। हम लोग का विश्वास से अलग होके नहीं करने वाला है, हम लोग का विश्वास से अलग होके नहीं करने वाला है। जिसको का अगर लाइन रहेगा तब लाइट ऑन होगा, जिसको का लाइन के बगैर चाहे जितना भी ट्यूबलाइट डाल दे, AC, एयर कंडीशनर सब कुछ डाल दे, कोई फ़ायदा नहीं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी लुक्ड एट लास्ट टाइम कि बैप्टिज्म एक ऑर्डिनेंस है, वो एक सैक्रमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि विश्वास का ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी चीज़ है विश्वास का ज़रूरत है। इट्स लाइक माई फ़ोन, राइट? मेरा फ़ोन के सामने अगर तुम लोग में से किसी का भी चेहरा आ जाए तो क्या वो खुलेगा? नहीं। अचानक से वही चीज़ मेरा चेहरा के सामने करो, खुल जाएगा, राइट? सो
आई एंटर इन टू द फोन थ्रू माई फेस, वैसे ही बैप्टिज्म एक एंट्रेंस है, बट इट रिक्वायर्स फेथ, इट रिक्वायर्स फेथ फ्रॉम यू. इट इज़ एन एंट्रेंस, इट्स एक लॉक है एंड वो खुल जाएगा, एंड एक एंट्रेंस है, बट इट रिक्वायर्स फेथ फ्रॉम यू. अंडरस्टूड? तो जैसा फ़ोन हम लोग का फेस को स्कैन करता है, परमेश्वर हम लोग के दिल को जांचेंगे. लिखा हुआ है मनुष्य का पुत्र जब आएगा क्या ढूंढने आएगा? विश्वास. क्या उसको विश्वास मिलेगा या नहीं? तो जस्ट जैसा फ़ोन हम लोग का फेस को स्कैन करता है, परमेश्वर का आत्मा हम लोग का दिल को स्कैन करता है. अगर विश्वास मिले, बैप्टिज्म विल बी योर एडमिशन, यू नो, इट विल बी योर एडमिशन, नॉट ग्रेजुएशन, एडमिशन. 1 Corinthians 10 जो पढ़ रहे थे, verse 2, सब ने बादल में और समुद्र में, राइट, दो अलग अलग किस्म का बपतिस्मा. ओके, बादल किस चीज़ का बपतिस्मा के बारे बात कर रहा है और समुद्र किस चीज़ का बपतिस्मा के बारे बात कर रहा है? हाँ, ओके, विच वन इज़ फॉर विच? हाँ, बादल किस चीज़ का है? टेल, कम ऑन, सी इफ यू ऑल हैव बीन इन GTC इतना देर तक, सिंपल क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग. एक तरफ बादल समुद्र, दूसरा तरफ वाटर बैप्टिज्म, होली स्पिरिट बैप्टिज्म. तो समुद्र को किस चीज़ से मैच करेंगे? प्रेज द लॉर्ड. ओके, एंड क्लाउड इज रिप्रेजेंटिंग द होली स्पिरिट. बोथ आर अ सिंबल ऑफ वाटर, एक ऊपर में वेपर फॉर्म, एक नीचे लिक्विड फॉर्म. ओके, सो दोनों चीज से ये होके गए बपतिस्मा. Luke 3:21-22. जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा. ओके, यू सॉ दैट? और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस मैं तुझसे ओके. परमेश्वर किससे प्रसन्न होते हैं, किससे प्रसन्न नहीं होते हैं? जो विश्वास से पीछे हट रहा है. और किससे प्रसन्न होते हैं? राइट. अभी तक यीशु मसीह कितना चमत्कार किया था? हाँ, कुछ नहीं किया था. कितना सर्मन प्रीच किया था? कुछ नहीं. एंड क्या गवाही है? कि वो विश्वास से चल रहे थे. राइट, कि वो विश्वास से चल रहे थे. कैसे पता वो विश्वास से चल रहे थे? परमेश्वर बोल रहे हैं मैं तुमसे प्रसन्न हूँ. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक ही चीज़ करना है, विश्वास से चलना है. मिरेकल्स नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, विश्वास से चलना है, विश्वास से चलना है. बट द मेन पॉइंट यहाँ पे जो हम दिखाने मांगते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा था. Verse 21, यीशु ने भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था और आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा आया. राइट, और वहाँ पे भी लिखा हुआ बादल और समुद्र दोनों का बपतिस्मा. एंड यू नीड द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट, यू नीड टू आस्क. वचन में लिखा हुआ है कि विल गो टू दैट प्लेस, Luke 11:13, जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या देगा? पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? राइट, मांगोगे तो तुमको मिलेगा. नाउ द थिंग इज, व्हाट हैव यू बीन आस्किंग फॉर? राइट, क्योंकि बैप्टिज्म के टाइम यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग योर डिजायर्स. You have to start focusing on your desires, your needs. You have to start focusing, ki, Lord, what do I... Like, you see these stories, right? Aladdin and Magic Lamp. He has to focus uska sara desires ko usko kitna desires mein simit kar dena hai. 3. All he wants to become apna pura life mein, he has to limit it to 3. God says, you limit it to 1. That's very difficult, right? क्योंकि Lord, I want many things in life. But can you do that? Can you believe the gospel उस हद तक कि मेरा लाइफ कि Lord, हम उस हद तक विश्वास करने मांगते हैं, हमको उस हद तक विश्वास दिलाइए कि हम actually अपना life में प्रभु I will just focus on this need in my life, on this desire, कि I need the Holy Spirit. नॉट कि होली स्पिरिट मिल जाए तो अच्छा है, साथ ही साथ जॉब भी मिल जाए तो अच्छा है, साथ ही साथ घर भी मिल जाए, साथ ही साथ शादी भी हो जाए, साथ ही साथ बहुत, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. नाउ आई एम नॉट सेइंग परमेश्वर ये सब दे नहीं सकता है,
बट ये सब में से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पवित्र आत्मा है। एंड परमेश्वर ये देख रहे हैं हम लोग का मांगने का तरीका से, वो अंदाज़ लगा सकते हैं कि पवित्र आत्मा हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड राइट? क्योंकि वो देख रहे हैं कि हाँ इसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ओ हाँ साथ साथ पवित्र आत्मा भी चाहिए। वी शुड नॉट बी लाइक दैट। ये नहीं कि परमेश्वर बाकी कुछ नहीं देने वाले हैं, बट परमेश्वर बोल रहे हैं कैन यू फोकस योर डिज़ायर्स, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव यू द होली स्पिरिट। एंड डोंट थिंक कि परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं देने मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जब तुम बुरे हो के अच्छा चीज़ देने जानते हो, तो परमेश्वर पिता तो अच्छे पिता है, पृथ्वी में हर एक पिता से अनगिनत गुना ज़्यादा अच्छा पिता है, और जो जानते हैं कि हम लोग को पवित्र आत्मा का ज़रूरत है। एंड ही जस्ट वेटिंग कि आई वॉन्ट यू टू जस्ट आस्क विथ ऑल योर हार्ट, पूरे मन के साथ मांगो कि हम दे देंगे पवित्र आत्मा। एंड कीप आस्किंग कीप आस्किंग कीप आस्किंग, कीप योर डिज़ायर फोकस्ड ऑन हिम एंड फोकस्ड ऑन रिसीविंग द होली स्पिरिट, चाहे जितना भी समय मिले। ओके, सो बैप्टिज्म का मतलब है डुबाना, जो हम लोग पिछले बार देखे। एंड यू नो बैप्टिज्म में क्या होने वाला है कि व्हेन यू आर इन द बैप्टिज्म टैंक एंड हम लोग प्रेयर कर लेंगे एंड तब आई विल पुश यू डाउन बैकवर्ड्स, राइट? तुम लोग खड़ा रहोगे और हम तुमको पीछे पीछे तुम लोग को डुबाएंगे, राइट? एंड जब तुमको हम पीछे कर रहे हैं, तुम्हारा वजन तुम्हारा पैर से उठ जाएगा ऑब्वियसली, राइट? एंड देन यू आर डिपेंडेंट ऑन मी टू रेज यू अप, बिकॉज तुम लोग का वेट तुम्हारा पैर से उठ गया है, एंड देन आई हैव टू रेज यू अप, है कि नहीं? दैट इज सिम्बॉलिकली कैसा हम लोग का समर्पण रहना चाहिए बैप्टिज्म में, कि तुम लोग को अपना भरोसा और जो भी तुम लोग चाहते हो अपना लाइफ से, वो अपना इच्छा को हटाना है, से लॉर्ड आई सरेंडर, आप ही हमको अब जिलाइए, ये जीवन आपका नॉट मेरा। यू अंडरस्टैंड? यू हैव टू गिव अप कंट्रोल, यू हैव टू गिव अप कंट्रोल, यू हैव टू सरेंडर, समर्पण करना है। एंड जैसा हाउ द वे यू विल सरेंडर टू मी, वैसे ही इन फॉर दैट 5 मिनट्स, वैसे ही 5 मिनट्स क्या, 1 मिनट, फ्यू सेकेंड्स, बट दैट फ्यू सेकेंड्स शुड बी योर एंटायर लाइफ विद गॉड। कि प्रभु जैसा ये फ्यू सेकेंड्स में हम सरेंडर कर रहे हैं इन दिस टैंक, हम प्रभु बैप्टिज अपना पूरा लाइफ को आपके हाथों में वैसे ही सरेंडर करने मांगते हैं। बैप्टिज्म के बाद 1 Corinthians 10:5, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुत और से प्रसन्न ना हुए, इसलिए वे जंगल में, और अंग्रेजी में लिखा विल्डनेस, वन प्रदेश में, जंगल में ढेर हो गए। बैप्टिज्म के बाद ये लोग समुद्र से होके आए, राइट? समुद्र के बाद कहाँ पे आ गए? यस, विल्डनेस में आ गए, वन प्रदेश, वो बड़ा सा रेगिस्तान में आ गए। उसके बाद यू नो अगर इफ़ यू सर्च ऑन गूगल कि उनका इसराइल का जर्नी कैसा था फ्रॉम इजिप्ट टू कैनन, ठीक है, कनान तक, प्रॉमिस लैंड तक, तो यू विल सी कि एक्चुअली 3 दिन का जर्नी था, लेकिन परमेश्वर उनको 2 साल तक ले गए, एक कोना से दूसरा कोना तक। वहाँ पे वो लोग डर गए और कठोर हो गए, बलवा किए, और परमेश्वर बोले बहुत हो गया, तुम लोग अगला 38 साल तक यहीं रहोगे, ठीक है। 3 दिन का जर्नी था, 3 दिन का जर्नी था, एंड परमेश्वर वो लोग को ये लंबा रास्ता से ले गए, काफ़ी जगह में काफ़ी समय तक वो लोग को बस छोड़ देते थे, बिकॉज परमेश्वर उनको बहुत कुछ सिखा रहे थे। एंड बैप्टिज्म के बाद यू विल सी कि गॉड विल टेक यू थ्रू लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेसेस, लंबा लंबा सीजन्स ऑफ योर लाइफ, लंबा लंबा सीजन्स, जो कभी कभी लगे कि ये स्ट्रगल, ये वाला सिचुएशन लाइफ में ख़त्म नहीं हो रहा है, ये वाला सिचुएशन कब इससे निकलेंगे, यू नो आई मीन इफ़ यू सी इट जोग्राफिकली, तो यू विल सी कि वो लोग का ट्रेल यहाँ से निकले, वो लोग मिस्र देश से, और तब नीचे जा रहा है अफ्रीका में, सॉरी वो वाला एरिया में वो लोग नीचे जा रहे हैं, और तब फिर से ऊपर आके कैनन में घुसते हैं, राइट? तो इट इज़ अ वेरी, परमेश्वर का ये जो तरीका है, इट मे बी वेरी लॉन्ग, बट ये परमेश्वर का तरीका है, क्योंकि वो हम लोग को बदल रहे हैं, वो हम लोग को बदल रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट
कहाँ पहुँचना है, इट इज़ अबाउट हम किसके साथ जा रहे हैं। इट्स लाइक पास जेम्स के जो बच्चे राइट, तो छोटा वाला बेटा बड़ी वाली बेटी एंड तो वो जब भी जाते थे रिलायंस फ्रेश कहीं से कुछ लाने के लिए तो बोलते थे चलो हम रिलायंस फ्रेश जा रहे हैं आना है, तो पहले दोनों जाते थे, उसके बाद बेटी बड़ी होगी, बेटी बोल रही क्यों क्यों हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, हमको नहीं जाने की ज़रूरत है, तो नहीं जाती। बेटा छोटा ही था, हाँ हाँ डैडी जाएंगे जाएंगे राइट। नाउ इट वॉज नॉट अबाउट कि रिलायंस फ्रेश से क्या वहाँ से लाना है, कि तुमको कोई वहाँ कोई चीज़ वहाँ से ज़रूरत है कि नहीं, बट इट इज़ अबाउट ऑल टीनेजर्स राइट, ऑलवेज थिंक कि हमको उसमें क्या फ़ायदा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए रहेगा रिलायंस फ्रेश से हम आए जाएंगे, नहीं चाहिए पेरेंट मेरा ज़िंदगी ठीक है, हमको कोई चीज़ का नहीं नहीं जाएंगे। बट एक्चुअली एक पिता जब कहता है कि जाना है कि नहीं जाना है, तो ही इज़ बेसिकली सेइंग कि लाइक मेरे ग्रैंड डैड मेरे डैड को मैकेनिक के पास ले जाके बैठाते थे और घंटा घंटा स्कूटर फिक्स हो रहा है राइट, एंड जब मेरे डैड हमको बोलते थे चलो मैकेनिक के पास, हम बोलते थे नहीं मेरा बाइक ठीक है और हमको जितना बाइक के बारे सीखना है हम जानते हैं ऑलरेडी, हमको जाने का ज़रूरत नहीं है। एंड डैड बोल तुम ये देखोगे तुम वो देखोगे, नहीं लाइफ ठीक है वो सब बिना देखे भी मेरा लाइफ ठीक है कि बाइक का अंदर का हिस्सा कैसा दिखता है। बट वॉट माई डैड वॉन्टेड एंड जो पास्टर जेम्स अपने बच्चों से अपनी बड़ी बेटी से उस समय चाह रहे थे जब वो अपने टीनेजर्स में थे और जब हमने वो इज फेलोशिप राइट, और हम लोग देख रहे थे मैकेनिक के पास जाके हमको क्या फ़ायदा है, यू नो सो यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट इज़ अबाउट फेलोशिप ड्यूरिंग द जर्नी राइट, क्योंकि उसमें एक्चुअली पता चल रहा है कि डू वी रियली लव गॉड एंड एन्जॉय गॉड, या लॉर्ड अगर ब्लेसिंग्स मिल जाए ना तो मेरे लिए पृथ्वी ही स्वर्ग है, लॉर्ड अगर डिलीवरेंस मिल जाए तो बढ़िया है सब कुछ, लॉर्ड अगर मेरा दोष भावना ही दूर हो जाए तो बढ़िया है सब कुछ। उसी ये विल्डनेस में ही पता चलता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में ही पता चलता है हम लोग सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या हम लोग वो चीज़ों को चाहते हैं, यीशु मसीह को चाहते हैं या वो चीज़ों को चाहते हैं जो यीशु मसीह का रिश्ता में हम लोग को मिलता है। यू अंडरस्टैंड यीशु मसीह के साथ रिश्ता में हम लोग को बहुत कुछ मिल सकता है, शांति मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, आशीष मिल सकता है, उद्धार मिल सकता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ को यीशु मसीह से ज़्यादा चाहते हैं तो ये विल्डरनेस जर्नी पता कर दे दिखा देगा हम लोग, ये विल्डरनेस जर्नी दिखा देगा कि क्या हम मिनिस्ट्री ज़्यादा चाहते हैं, क्या हम कुछ बनना चाहते हैं प्रभु के लिए, ये वो सब अलग अलग डिज़ायर्स को प्रकट कर देगा। ये सब बुरा डिज़ायर्स नहीं है, लेकिन अगर कोई भी डिज़ायर यीशु मसीह से ज़्यादा अधिक हम लोग का दिल के करीब है, हम लोग का दिल वो सब चीज़ों को ज़्यादा चाहता है, तो विल्डरनेस जर्नी बैप्टिज्म के बाद प्रकट कर देगा। इसलिए ये सब बातों में हम लोग अज्ञान नहीं रहना है, यू नो, एंड यू विल रियलाइज़ कि शायद बहुत झील के साथ तुम लोग बैप्टिज्म ले रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब उसके बाद विल्डरनेस जर्नी लंबा हो जाता है, बहुत लोगों का हम देखें उनका झील खो जाता है, उनका झील खो जाता है, उनका जो ईश्वरीय धुन है, उनका जो जॉय था वो कुछ दिन एक दो हफ्ता उसके बाद खो गया, हवा निकलते गया। देर कैन बी मैनी रीजन्स, बट वन ऑफ द मेन रीजन इज कि परमेश्वर उनको उनके अंदर जो चीज़ को वो चाह रहे थे, लाइक लेट्स से हम बैप्टिज्म के पहले चाह रहे थे कि लॉर्ड आई वॉन्ट यू टू यूज़ मी एंड दैट वॉज द मेन थिंग इन माई लाइफ, कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। एंड बैप्टिज्म के बाद अगला 3 साल तक परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं किया, या 10 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, परमेश्वर इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। अब मेरा जील चला जा रहा है, क्यों गया, क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिए, नहीं, क्यों गया, क्योंकि परमेश्वर क्योंकि हम पब्लिक मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, या मिनिस्ट्री कर रहे हैं दरवाजा बंद हो जा रहा है, ओके तो उससे क्या पता चल रहा है, ये जो लॉन्ग सीजन ऑफ बैरननेस कि कोई फल नहीं ला रहे हैं, एकदम खाली खाली है, पूरा सूखा सूखा जिंदगी है, मिनिस्ट्री सूख गया है प्रभु, इससे ये पता चला, और अगर मेरा जील चला जा रहा है तो उससे एक्चुअली ये पता चला कि एरिक तुम्हारा जो इतना ज़्यादा जील था पहले
वो एक्चुअली प्रभु के लिए तो उसके अंदर थोड़ा सा था, लेकिन बाकी जो था वो इट वॉज लाइक एक बच्चा है और उसको ट्यूमर हो गया बड़ा सा। एंड यू विल री डिस्कवरी चैनल में और नेशनल पता नहीं क्या क्या चैनल्स में दिखाता है ना कि हिस्ट्री चैनल में ये सब कि कितना बड़ा बड़ा ट्यूमर वो लोग निकाले। तो अचानक से इफ़ यू सी कि ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स जील एकदम जीरो हो गया। पाप हो सकता है, अलग अलग चीज़ हो सकता है, लेकिन अगर पाप में नहीं गिरे उसके बावजूद जील चला गया तो परमेश्वर तो बड़ा सा ट्यूमर निकाले। हम लोग को लग रहा था वो मेरा जील है प्रभु के लिए, और परमेश्वर दिखाया देखो ये एक्चुअली ट्यूमर है। ये जो जील तुम्हारा था वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए था कि हम तुमको इस्तेमाल करें, कि हम तुमको सामर्थ से भर दे ताकि लोग देख पाए कि तुम कितने अच्छे क्रिश्चियन हो, या हम तुमको दूसरों के नजरों में बेहतर बना दे, प्योर बना दे, राइचस बना दे। एंड वो सब चीज बैप्टिज्म के बाद यू विल सी परमेश्वर वो एकदम डीप सर्जरी करेंगे, ट्यूमर उमर निकाल देंगे। तब अचानक से लोग का जील चला जाता है। उस समय वो व्यक्ति को डिस्करेज नहीं होना चाहिए परमेश्वर को, अगर वो समझदार होगा तो उसको अपने आप को जांचना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि लॉर्ड एक्चुअली अभी हमको पता चल रहा है कि हम सच में आपसे बस आपके लिए कितना आपको प्रेम करते हैं। पहले तो हम आपसे प्रेम करते हैं ताकि आप हमको इस्तेमाल करें, पहले हम आपसे प्रेम करते थे ताकि ये मिले वो मिले, ये मिले वो मिले, आप ये करें आप वो करें, और हम सब कुछ आपके बारे आपको हम एक शेप में डाल दे रहे थे, आपको हम एक आकार दे दे रहे थे, अपना जरूरत के अनुसार हम आपको एक आकार दे दे रहे थे, अपना जरूरत के अनुसार हम आपको ढा दे रहे थे, आपको एक ढांचा में डाल दे रहे थे अपना जरूरत के अनुसार। एंड बैप्टिज्म के बाद ये लोग को डाल दिया गया विल्डरनेस में, बड़ा बड़ा ट्यूमर निकल रहा है। तब पता चले रही ये तो काफी हल्का व्यक्ति है। बाकी लाइक यू सी लिपोसक्शन ट्रीटमेंट में क्या होता है, जब बॉडी का पूरा फैट वो लोग निकाल देते हैं ना, ओ ये तो उतना स्ट्रांग नहीं है, इसका वेस्ट साइज तो उतना बड़ा नहीं है, ये तो काफी पतला व्यक्ति है। सो परमेश्वर ऐसा चीज सब कर सकते हैं, बैप्टिज्म करेंगे करेंगे अगर जो भी विश्वास से बैप्टिज्म, ये सब उसके लिए जो विश्वास से बैप्टिज्म ले रहा है, राइट, जो विश्वास से बैप्टिज्म ले रहा है। सो इट्स यू विल यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सब होता है, ये सब होता है। अदर रीजन्स आर ऑल्सो देयर, ऑब्वियसली पाप की वजह से भी होता है। एंड ओके, मती का 4:1, मती का 3 में यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं, और 4:1 में तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलिस उसकी परीक्षा। यू सॉ दैट, बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह किधर, जंगल में, और इसराइल भी बपतिस्मा के बाद जंगल में। नाउ ये जो सूखापन, जो वो लोग जंगल में जा रहे हैं, ये विल्डरनेस, ये जंगल, ये वन प्रदेश, ये रेगिस्तान सच में जांचेगा और परीक्षा लेगा कि उन परमेश्वर के लिए जो उनका लालसा था बपतिस्मा तक, वो सच में कितना जेन्युइन और कितना खरा है। ओके, बपतिस्मा के बाद ये वाला चीज़ वन प्रदेश जांचेगा। भजन का 106 का 8 से 14, तब उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया जिससे वह पराक्रम को प्रकट करे। ओके, यहाँ पे बात किया जा रहा है इसराइलियों का कि उनका उद्धार कैसा किया गया, मिस्र देश से निकाला गया जब परमेश्वर जल में समुद्र में इजिप्शियंस को डुबा दिए, सब के सब को डुबा दिए, इजिप्ट का पूरा सेना को, जो लोग इसराइल का पीछा कर रहे थे इसराइल को इस पार लाए वो लोग को डुबा दिए, राइट। तो अभी उसने उसके नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, सेल्वेशन, डिलीवरेंस, पराक्रम को प्रकट किया। ओके, तब उसने लाल समुद्रों को घोड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल के ले गया। यहाँ पे उनका बपतिस्मा हुआ, सेल्वेशन हुआ, उसके बाद बपतिस्मा, समुद्र से होके ले गया, राइट। उसके बाद उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। नेक्स्ट वर्स, और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। ओके, सो यहाँ पे व्हाट डू दे डू, यहाँ पे वो लोग, ये कैसा किस्म का विश्वास है, ये विश्वास वो लोग कब किए, जब जब वो लोग बच गए, जब वो लोग अपना डिलीवरेंस को देखे। तो ये विश्वास वो विश्वास है जो सुन के नहीं ये लोग को मिला,
सुन के नहीं, ये लोग देख देख के। धन्य है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं, यीशु ने कहा। ये वो कैटेगरी का विश्वास नहीं है, ये वो कैटेगरी का विश्वास, देख के ये लोग विश्वास किए, देखे विश्वास किए और तुरंत क्या किए, स्तुति गाने लगे। देख के विश्वास किए और स्तुति गाने, ये कैसा किस्म का स्तुति गाना हुआ? विक्ट्री को देख के, राइट। ये वो किस्म का स्तुति नहीं है जो दुश्मन सामने से आ रहा है और वो लोग स्तुति गा रहे हैं, नहीं, दुश्मन सबका सब डूब के मर गया, अब वो लोग प्रशंसा और गाने लगे हालेलुया। ओके, यू अंडरस्टूड? सो उसके बाद क्या हुआ, तब ये लोग विल्डरनेस में आते हैं, परंतु वे झट से उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए ना ठहरे। अब विल्डरनेस उनका जो मन था कि जिसके वजह वो लोग परमेश्वर का स्तुति कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन विल्डरनेस क्या किया, उनका जो ये मन था कि कितना जोर से वो लोग परमेश्वर का वचन को थामे हुए, परमेश्वर के कामों को याद किए, ये वाला चीज़ को एक्सपोज कर दिया कि सच में वो लोग उतना जोर से नहीं थामे हुए थे परमेश्वर का वचन को। इट्स लाइक एक नया ब्रिज बनता है, राइट। अब वो ब्रिज के ऊपर टेस्ट करते समय, पहले टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट करते समय वो लोग भारी भारी ट्रक्स को और रोड रोलर्स को चलाएंगे, चलाएंगे, चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि टेस्ट किया जा रहा है, राइट। और अगर उस समय वो ब्रिज क्रैक्स आने लगा तो उसका क्या मतलब है? ब्रिज कमज़ोर है, ओके, ब्रिज क्या बोलेंगे, ब्रिज कमज़ोर है, या बोलेंगे कि ये ट्रक्स बहुत भारी है? ब्रिज कमज़ोर है, क्योंकि वो ट्रक के वजह से वो क्रैक्स नहीं आया। वो क्रैक्स पहले था गहराई में, ऊपर में नहीं दिखाई दे रहा था, जब प्रेशर डाल दिया गया तब वो क्रैक्स ऊपर आ गया। लाइक यू विल सी कि बहुत सारे घरों में कुछ साल बाद दीवार में बड़ा बड़ा क्रैक आता है। उसका मतलब नहीं है कि वो फिफ्थ फ्लोर कमज़ोर है, बहुत हवा बह रहा था तो फटने लगा, नहीं, उसका मतलब ये है कि फाउंडेशन कमज़ोर है, वो नींव कमज़ोर है, वहाँ नींव में थोड़ा सा इधर उधर अगर कुछ चीज़ हिल जाएगा, फिफ्थ फ्लोर पूरा क्रैक हो जाएगा। और ये लोग विल्डरनेस में जा रहे हैं और अब जो प्रेशर हो रहा है उनके लाइफ के ऊपर, उसके वजह से उनका वो लोग परमेश्वर की युक्ति के लिए ठहरे नहीं, मतलब उन लोग का स्पिरिचुअल पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है, उनका स्पिरिचुअल मेमोरी स्मरण करना, परमेश्वर के कामों को स्मरण करना, ये एक्सपोज हो रहा है। अगला वर्स, उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में ईश्वर की परीक्षा की। अब परमेश्वर को डाउट करना और दूसरे चीज़ों को और भी डिज़ायर करना, वो सब और भी एक्सपोज हो रहा है। नाउ डेजर्ट में जो प्लांट्स होता है, जो वेजिटेशन मिलता है, वो सब प्लांट्स को पीपल कॉल इट हार्डी प्लांट्स, बिकॉज वो लोग वो सब प्लांट्स हार्ड एनवायरनमेंट में भी ज़िंदा रह सकते हैं, राइट। एंड यू विल सी कि ऐसा ऐसा हार्ड डिज़ायर्स विल्डरनेस में और भी दिखाई पड़ रहा है। अनिश यू चेक में, वो हार्ड डिज़ायर्स और भी एक्सपोज हो रहा है, एंड दैट इज़ वेर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Psalms 106:15, तब उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया परंतु उनको प्राण को सुखा दिया। अब नाउ विल्डरनेस जो बाहर में सूखापन है, अब वो अंदर आ गया है। सी दिस इज़ वेयर गॉड विल एक्चुअली टेस्ट यू बैप्टिज्म के बाद, कि तुम लोग को सूखा लाइफ अगर मिले तो क्या वो सूखापन अंदर आ जाएगा, कि या तुम लोग भरे रहोगे? तुम लोग का सोर्स सर्कमस्टेंस है या सोर्स स्वर्ग है? अंडरस्टैंड, वो चीज़ पता चल जाएगा। थिंक ऑफ जूडी, ठीक है, वो बैप्टिज्म टैंक, पानी उसका सर के ऊपर रहेगा, राइट, लेकिन अगर उसका मुंह में एक तो पाइप डाल देंगे, लंबा सा पाइप, राइट, और वो पाइप पानी के ऊपर है, तो कितना देर तक वो रह पाएगी पानी के नीचे? क्या मर जाएगी क्या? नहीं, क्यों? सोर्स ऊपर है, तो इट डज नॉट मैटर अगर उसका सर्कमस्टेंस जो भी हो, जो भी टैंक के अंदर में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसका टैंक, उसका सोर्स टैंक के बाहर से है। यू अंडरस्टैंड? एंड विल्डरनेस टेस्ट करेगा हम लोग को, विल्डरनेस इतना टेस्ट करेगा कि रियली पता चल जाएगा कि हम लोग का सोर्स कहाँ से है। एंड इसलिए बहुत लोग का जील सब कुछ बहुत कुछ खो जाता है, और वहाँ पर वो लोग प्रशंसा स्तुति बंद। विक्ट्री मिला, बहुत प्रशंसा स्तुति की, उसके बाद कुड़कुड़ाना, ये सब कुछ होने लगा।
नेक्स्ट वर्स, उन्होंने छावनी में मूसा के और यहोवा के पवित्र जन हारून के विषय में डाक की। यहाँ पे कुड़कुड़ाना, ग्रम्बलिंग, ये वो सब कुछ शुरू, यू नो। एंड फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 7, ऐसा नेक्स्ट वर्स, व्यभिचार किया जैसे उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। नेक्स्ट वर्स, प्रभु को परखा और सांपों के द्वारा नाश किए गए। नेक्स्ट वर्स, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाला के द्वारा नाश किए गए। राइट, तो वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा से डाक किए, दोनों शाम और यहाँ दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहा है। नाउ बैक टू साम्स 100 जो पढ़ रहे थे, साम्स 106, राइट, हाँ, वह 17 एंड 18। भूमि फट गई, फुट फट कर दतान को निगल गई और अबीराम के झुंड को ग्रस्त कर लिया, और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गया। यहाँ पे परमेश्वर, ये कौन सा ग्रुप था? ये वो ग्रुप था जो रिबेल किया, जो लोग बलवा किए। ओके, तो यहाँ पे इट्स यू आर सेइंग कि वो लोग, कोई कोई लोग थे जो एनवीएस जेलस हो गए, कोई कोई लोग थे जो लोग व्यभिचार का लालसा वो बढ़ते गए, और यहाँ पे पॉलिटिक्स बढ़ गया, यहाँ पे पॉलिटिक्स बढ़ गया। एंड यू विल सी कि बैप्टिज्म के बाद विल्डनेस में जब आ जाएंगे, देयर विल बी किस्म किस्म का एनवी, जेलसी, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ का टेस्ट होने लगेगा जो लोग बैप्टिज्म लिए हैं। एंड दैट यू, उस समय इट विल बी अ टेस्ट कि वॉट विल योर रिएक्शन बी, जस्ट थिंक ऑफ इट। नाउ आई एम श्योर यहाँ पे तुम लोग में से कोई भी डजेंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन चर्च पॉलिटिक्स, राइट? नो बडी वॉन्ट्स टू, बट शैतान आएगा, टेस्ट करेगा एंड विल मेक यू फील प्राउड, विल मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड विल मेक यू फील कि अदर्स आर बैड, अदर्स आर रॉन्ग, एंड परमेश्वर का महिमा के लिए तुमको बहुत बड़ा चीज करना पड़ेगा, हिला के रख देना पड़ेगा चर्चेस को, यू नो। एंड देन वॉट विल यू डू? बिकॉज हम बहुत लोग को देखे हैं जील में, आई रिमेंबर बाइबल स्टडी में मेरा एक फ्रेंड आता था, जाके अपना मेथडिस्ट पास्टर के साथ लड़ता था, लड़ता था, लड़ता था। तुम डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। वाई? क्योंकि जील है, आई अंडरस्टैंड जील है, बट द थिंग इज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि शैतान, शैतान के बारे लिखा हुआ है कि वो जब स्वर्ग में था, वो परमेश्वर का सिंहासन को देखा और सोचा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन से ऊंचा करूंगा। और लिखा हुआ है रेवलेशन में कि वो सारा एंजल्स में से एक तीसरा हिस्सा को अपने साथ लेके नीचे गिरा। यू नो वॉट ही डिड? डेरिक प्रिंस सेज कि ही मस्ट हैव डन समथिंग लाइक दिस, क्योंकि वचन में लिखा है स्लैंडरर है, कि वो निंदा करने वाला है, राइट? तो वो गया होगा, लाइक लेट से लूसीफर गया है अनीश के पास, अनीश भी एक एंजल है, वहाँ पे जाके बोलता है कि अनीश, आई थिंक यू आर बेटर, यू शुड बी एट दिस पोजिशन, शुड बी एट अ हायर पोजिशन, तुमको दिया गया है फ्लूट बजाना, वो वाला एंजल को दिया गया है हार्प बजाना, आई थिंक यू कैन डू अ बेटर जॉब देन हिम, वो ठीक से नहीं बजाता है, तुम बजा सकते हो। तुमको बोला गया है दरवाजा में खड़ा करो, उसको बोला गया है पुलपिट के बगल खड़ा करो, आई थिंक यू डिजर्व दैट पोजिशन। हम होते ना, अगर हम इंचार्ज होते, हम तुमको वाला पोजिशन देते, क्योंकि हम तुम्हारे अंदर वो हुनर, वो टैलेंट, वो काबिलियत को देख सकते हैं। अगर बार बार ये बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए, रिमेंबर डैनियल में लिखा हुआ है, डोंट डोंट थिंक कि सेटन आके तुम लोगों को कहेगा कि यू आर वेरी बैड, गेट आउट ऑफ द चर्च एंड गो किल योर पास्टर, ही वोंट ट्राई एनीथिंग लाइक दैट। डैनियल 11:32, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातों कह कह कर भक्तिहीन कर देगा। ही विल करप्ट बाई फ्लैटरी, ही विल करप्ट बाई फ्लैटरी। ही विल कन्विंस है कि उसको प्रेयर करने नहीं आता, और पास्टर हमेशा उसी को बुलाते हैं प्रेयर करने के लिए, गाने के। यू शुड बी कॉल्ड, तुम्हारे लाइफ के ऊपर कॉल है, तुम्हारे अंदर वो एनॉइंटिंग है, यू नो। एंड फाइनली, नहीं देखो, पर्सनल
ये चीज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है चर्च में, और उसके वजह से लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। नो, आई अंडरस्टैंड देर मे बी जेन्युइन रीजंस, लेकिन ठीक है, दिस इज नॉट अ सर्मन ऑन चर्च पॉलिटिक्स एंड हाउ टू हैंडल इट। दिस इज अ सर्मन ऑन बैप्टिज्म, कि बैप्टिज्म के बाद टेम्पटेशन आ सकता है थ्रू फ्लैटरी, कि यू स्टार्ट फीलिंग कि यू आर द पर्सन जिसको परमेश्वर चुने हैं चर्च को सीधा करने के लिए। उज़ा को क्यों मारा गया था? वाचा का संदूक को बस छू दिया, उसका जगह नहीं था, बेमतलब का उसको हाथ बढ़ाने का जरूरत नहीं था वहाँ पे। यू अंडरस्टैंड? सो बी वेरी केयरफुल। ये सब सब विल्डनेस में हुआ था, एंड कितना खराब हुआ, यू नो, जमीन फट गया और आदमी अंदर। इफ़ यू हैव रेड नंबर्स, जब वो इंसिडेंट के बारे विल्डनेस में क्या हुआ, डोथान अबीराम और वो लोग का सब प्रॉब्लम क्या था, वो लोग मोजेस के कजन्स थे। ओके, वो लोग मोजेस के कजन्स थे, सब लोग के सब, सबके सब लिवाइट्स थे, और ये लोग बोले कि हारून क्यों हाई प्रीस्ट है, हम लोग भी तो बन सकते हैं, वो लिवाइट है, हम लिवाइट है, वो क्यों? और मूसा, तुम बोल रहे हो कि परमेश्वर सिर्फ तुमसे बात करता है, हम लोग सब पवित्र हैं, परमेश्वर का पूरा प्रजा, देवर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, राइट, डेमोक्रेसी, वी आर ऑल होली, गॉड स्पीक्स टू ऑल ऑफ अस, यू आर अंडरमाइनिंग द राइचियसनेस ऑफ द पीपल। ऑल किस्म का आर्ग्यूमेंट लाए, मूसा कुछ नहीं किया, किसी से लड़ाई नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया, वो सिर के बल गिरा, परमेश्वर आ गया। दैट इज़ द सैड थिंग, मूसा जब भी सिर के बल गिरता है परमेश्वर आ जाता है, एंड तब धरती निकल, धरती फूट गया और ये लोग अंदर। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बैप्टिज्म के बाद किसिम किसिम का टेम्पटेशंस होगा, किसिम किसिम का टेम्पटेशंस मिलेगा। यू डेविल में टेम्प्ट यू, विल शो यू अदर पीपल्स वीकनेसेस ताकि तुम जज करो, एंड यू हैव टू से लॉर्ड आई विल नॉट जज, यू हैव टू से कि ये इतना स्पिरिचुअल होगा, ऐसा करती है ये लड़की, ये आंटी, ये अंकल, ये ब्रदर, ये वो, इतना स्पिरिचुअल होने के बाद ये लोग ऐसा करते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि लॉर्ड आई एम नॉट गोइंग टू जज, आई एम गोइंग टू प्रे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ अगर लेट्स से अगर तुम लोग में से कोई बुरा रिश्ता में फंस जाता हो, राइट, तो क्या तुम लोग की माँ ढिंढोरा पीटेगी पूरे शहर में कि ये देखो तो अलीशा है, आप देखो घूमते रहती है, घर नहीं आती है, पता नहीं कहाँ रहती है, क्या सब चर्चेज में बोलते रहेगी क्या ऐसा? नहीं, राइट, भाई क्योंकि माँ है और अलीशा बेटी है। सिमिलरली यू माइट सी वीकनेसेस इन अदर्स, बट वो टेस्ट रहेगा तुम लोग के लिए कि तुम लोग कैसा रिएक्ट करोगे, ढिंढोरा पीटोगे, भैया आपको मालूम है Page 3 गॉसिप सेक्शन, माई ओपिनियन अबाउट दिस, नो, होता है ना न्यूज़पेपर में Page 3 बड़ा सा फोटो रहेगा, छोटा सा सब टाइटल रहेगा टू एक्सप्लेन इट, एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया पूरा पिक्चर, एंड साइड में ओपिनियन कॉलम कि इस पिक्चर के बारे में मेरा ये ओपिनियन है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू स्टे आउट ऑफ ऑल दिस, ये सब टेस्ट रहेगा, ये सब टेस्ट रहेगा, ये सब टेस्ट रहेगा बैप्टिज्म के बाद। इट इज, वी डोंट वॉन्ट दिस टेस्ट, बट ये सब टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि हम लोग परिपक्व हुए हैं कि नहीं, कि हम लोग मसीह को चाह रहे हैं, या हम लोग के अंदर अभी भी एक दूसरा दूसरा डिजायर्स है, कि हम लोग मसीह का रास्ता के अनुसार चलेंगे या हम लोग अपना अपना डिजायर के अनुसार चलेंगे। 1920, 1920 और साम 106 जो पढ़ रहे थे, अंत में उन्होंने होरेब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत, और उन्होंने जो अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। फाइनली इट एंड्स अप इन आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा में एंड हो जाता, कहाँ से कहाँ तक वो लोग गिर गए, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि तुम लोग वापस मूर्ति पूजा में चले जाओगे, बट व्हाट आई एम सेइंग इज फाइनली परमेश्वर से हट के कोई दूसरा चीज़ तुम लोग का मेन फोकस हो जाएगा।
आई हैव सीन, जब ये सब टेस्ट होता है तब कोई कोई लोग एक्सट्रीमली रिलीजियस हो जाते हैं एंड उनका मन में बस एक ही चीज़ आ जाता है कि कैसे चर्च, ये वाला चर्च को बंद करें। उनके मन में आ जाता है कि कोई चर्च है जो शैतान चला रहा है, राइट? कोई अच्छा चर्च के बारे में लोग सोचेंगे, मोस्ट प्रोबली वही चर्च रहता है। ठोकर लग गया है, कोई कुछ बोल दिया है, कुछ उनको दिखाई दे दिया और उनको लग रहा है कि शैतान ये चर्च में है, यहाँ विचक्राफ्ट हो रहा है, यहाँ किस्म किस्म का चीज़ हो रहा है, एंड उनका मेन एम हो जाता है कि चर्च को बंद करो, चर्च को बंद करो, चर्च को बंद करो। आई एम टॉकिंग अबाउट बिलीवर्स। और दूसरा साइड हो जाता है कुछ लोग जो नहीं, अब हम परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं कर सकते हैं। एंड आई नो मेरे साथ जो बैप्टिज्म लिए थे उनमें से कोई कोई लोग चर्च नहीं जाते हैं एट ऑल, चर्च जाना छोड़ दिए हैं। एंड मेरा बैप्टिज्म लिए हुए 11 years हुआ है, एंड विद इन लेस देन 10 years सम स्टॉप्ड गोइंग टू चर्च टोटली, एंड अदर्स, देर आर अदर्स जो लोग अपना एक ही लाइफ में एम्बिशन को अभी लेके चल रहे हैं कि चर्च बंद करना है, चर्च को शट डाउन करना है। या तो लोग, सी दैट इज इट, रोमन्स एंड फैरिसीज मिल के यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए। रोमन्स वो एक किस्म के एकदम पापी पापी, जितना बोलो पाप करते हैं। दूसरा फैरिसीज रिलीजियस, रिलीजियस एकदम एक्सट्रीम रिलीजियस, एंड दोनों मिल के यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए, यीशु मसीह का देह को क्रूस पे चढ़ाए। एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बैप्टिज्म के बाद सैतान विल कम टू टेम्प्ट यू, एंड सैतान वॉज सक्सेसफुल इन टेम्प्टिंग 1/3 ऑफ ऑल द एंजल्स, ठीक है? तो फियर, फियर, डरो परमेश्वर का भय में, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, बिकॉज सैतान वॉज सक्सेसफुल। एंड ये एंजल्स, सी इट्स नॉट लाइक हम लोग अपना लाइफ में कोई सर्टन एज में आके यीशु मसीह में विश्वास किए। ये एंजल्स लोग पिता परमेश्वर को, आत्मा को और पुत्रों को अपने सामने देख रहे हैं, राइट? वो लोग स्वर्ग में हैं, वो लोग क्रिएशन को देख रहे हैं, जो परमेश्वर हैं, जो कर रहे हैं, सब कुछ को देख रहे हैं आमने सामने। एंड उसके बावजूद 1/3 ऑफ देम, आई डोंट नो कितना बिलियन एंजल्स, सैतान वाज सक्सेसफुल एंड सैतान विल कम टू टेम्प्ट यू। After baptism, Satan will come to tempt you. So be very careful. Don't stop guarding your souls. अपना प्राण को बचाए रखो, प्राण को बचाए रखो। 1 Corinthians 10:11-13। परंतु ये सब बातें जो उन पर पढ़ी दृष्टांत की रीति पर पढ़ी, और ये हमारी चेतावनी के लिए है कि हम जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी हुई हम लोग के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट वर्स, इसलिए जो समझाता है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। नाउ डू यू थिंक यू हैव, यू आर स्ट्रॉन्गर देन एन एंजल? सो हैव फेथ, स्ट्रेंथन योर फेथ। अगर 1/3 ऑफ ऑल एंजल्स गिर गए तो ओवर कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्यूट फूलिशनेस। आई हैव सीन पीपल हु कैन कोट द बाइबल वेरी वेल नॉट गोइंग टू चर्च एनी मोर। वो लोग अपना सब क्रिश्चियन फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट से हटा दिया, फेसबुक से हटा दिया। और इनफैक्ट उसकी एक फ्रेंड मेरे पास आई और हमसे पूछे कि हम उस कोशिश किए उसको बाइबल के बारे बताने के लिए और कुछ वर्सेस से गाइड करने के लिए। हम बोले क्या हुआ तब? नहीं, हम जो उसको बोले थे ना कि देखो बाइबल में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और यू नो प्रभु तुमको वापस ला सकते हैं, तो वो उल्टा उसको बोला, हाँ लेकिन तुम जो रेफरेंस दिए वो गलत है, एक्चुअली वहाँ नहीं, यहाँ लिखा हुआ है। मतलब He knows the Bible better than her, but he will not listen. And that's what I told her. वो जितना spiritual था तुम अभी तक उतना हो नहीं, वो जितना zealous था तुम अभी तक हो नहीं, और वो गिर गया है। और उसको जो भी तुम बोलोगी मालूम है उसको कैसे वापस लौटना है। उसके सामने एक ही दरवाज़ा है वापस लौटने का, और उसको बस नम्र होकर लौटना है। But the thing is, these things are so dangerous. Devil आएगा, tempt करेगा with flattery. And you have to be very careful ki thokar na lage and after baptism you don't fall away, right? Isliye baptism ke baad, yes, we will eat food, we will sing songs, we will wish each other and
वी विल बी वेरी हैप्पी, वी विल हैव अस लाइक वी विल ऑल बी सो हैप्पी कि यू आर गेटिंग बैप्टाइज्ड, यू नो इट्स लाइक सेलिब्रेशन, वाओ। बट उसके बाद रिमेंबर रियल टेस्ट शुरू होने वाला है, राइट? इट्स नॉट लाइक यस हो गया। 13 तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा यानी कि विश्वास योग्य है, वह तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। सी दैट इज गॉड्स फेथफुलनेस। यू बिलीव दैट लॉर्ड आई एम वीक, नहीं आई एम नॉट वीक, जो परीक्षा लाना है लाइए प्रभु। सो डोंट से दैट, डोंट से दैट लॉर्ड। आप मुझे यीशु मसीह की आप प्रेयर सिखाए, डिलीवर डू नॉट लीड अस इन टू टेम्पटेशन, हमें परीक्षा में ना ले जा। ही डिडंट से कि प्रेयर करो कि परीक्षा आए और परीक्षा आए, नो ही सेड डोंट लीड मी इन टेम्पटेशन, कीप मी फ्रॉम टेम्पटेशन। परमेश्वर सच्चा है, तुमको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ एक एग्जिट का भी रास्ता देगा कि तुम सह सको। एंड समटाइम्स यू विल लर्न द वे टू एग्जिट। बाइबल में वो एग्जिट दिया गया है, यू विल सी अलग अलग सिचुएशन का एग्जिट दिया गया है, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू कीप योर सोल। कहीं कहीं पर एग्जिट मीन्स जब वो बात जब वहाँ पे अजीब किस्म का बात हो रहा है, बैक ऑफ, बैक ऑफ, यू डोंट नीड टू हियर, यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। कॉलेज में वट एवर इट इज, जस्ट बैक ऑफ, ताकि वो वाला चीज़ सब तुम लोग के मन में और ना जाए, संसारिक चीज़ सब। यू हैव टू बी, यू रियली हैव टू प्रोटेक्ट योर सोल, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सोल। परमेश्वर का एग्जिट प्लान्स है बाइबल में। अब टाइम नहीं है हर एक चीज़ में जाने के लिए, लेकिन डेविड कहता है साम्स में कि मैं अपने मन को ऊंची बातों में नहीं रखूंगा, मैं अपना प्राण को परमेश्वर का सीना पे रख के आराम पाऊंगा। आई विल नॉट माइंड हाई थिंग्स, जो बात मेरे लिए ज़्यादा है उस पे हम अपना राय नहीं देने वाले हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू नो अननेसेसरली आई नो इन माई टीन एजेस बेमतलब का लड़ाई सब में हम इन्वॉल्व हो जाते थे, जस्ट क्योंकि जो चीज़ मेरा काम का नहीं है वहाँ पे हम अपना राय दिए जा रहे हैं। सब कुछ के बारे में राय देना है। द एग्जिट प्लान इज शट अप, राइट? सो बहुत सारा अलग अलग सिचुएशन का अलग अलग एग्जिट प्लान है, एंड टेस्टिंग होगा, लेकिन बिलीव कि गॉड इज फेथफुल एंड ही विल मेक अ वे फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट। 1 Corinthians 10:7, और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और उठ के क्या किए, खेलना कूदना। दैट्स व्हाई आई सेड देयर इज सेलिब्रेशन, बट दैट इज ओनली, उसके बाद वॉर शुरू होगा। दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है दे रोज अप टू प्ले। नहमाया 2:18 में लिखा हुआ है कि दे रोज अप टू डू वॉट, टू इट्स अ प्रॉमिस बिल्ड। यहाँ पे वो लोग उठे क्या किए, टू प्ले, एंड वहाँ पे लिखा हुआ है दे रोज अप, लेट अस राइज अप एंड बिल्ड। ओके, Hebrews 2:3, सो हाउ डू वी प्रोटेक्ट ourselves? तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बचेंगे? पहला चीज, डोंट नेग्लेक्ट योर सेल्वेशन। वचन में लिखा हुआ है डरते हुए कांपते हुए उद्धार का काम करो। डोंट नेग्लेक्ट योर सेल्वेशन, उद्धार के विषय में डोंट, निश्चिंत मत रहो, चिंता करो। बाइबल में लिखा है चिंता करना, संसार के बारे नहीं, सेल्वेशन के बारे में। डाउट नहीं करना है, चिंता करना है कि लॉर्ड आई रियली वॉन्ट टू बी, और भी हमको बढ़ना है उद्धार में, ठीक है? फॉरगेट, हम लोग को अपना सेल्वेशन को भूलना नहीं है, निश्चिंत नहीं रहना है। Hebrews 10:25, इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। वी डोंट हैव टू नेग्लेक्ट एंड फॉरगेट फेलोशिपिंग। वाई वाई? आई नो हमेशा मन नहीं करता है चर्च जाना, हमेशा मन नहीं करता है, लाइक इफ यू टेल मी मन नहीं करता है हमेशा चर्च जाना, आई विल से इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट? लेकिन फेलोशिप इज अ सेफ्टी नेट हम लोग के लिए, एक सेफ्टी नेट है, क्योंकि जब फेलोशिप से हम लोग हट जाते हैं, तो Hebrews 3:13, तब फेलोशिप में होता क्या है, हम लोग क्या से दूर हो जाते हैं जब फेलोशिप से दूर हो जाता है? जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है,
हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। फेलोशिप में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे का हाल पता करते हैं, ऐसा ना हो कि कोई भी पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। फेलोशिप से दूर होना यानी कि पाप के छल में आके कठोर हो जाना। इसीलिए टू कीप आर सेल्फ सेफ फ्रॉम दैट वी फेलोशिप, वी मीट रेगुलरली। एक चर्च मेंबर थे जो चर्च आना बंद कर दिए थे, तो पास्टर उसके घर गए, तो ये पास्टर और वो लोग एक बहुत ही ठंडा देश में थे, और वो ठंड का विंटर का समय था, एंड वो विंटर के कारण नहीं आ रहे थे चर्च। एंड वो चर्च में पास्टर सॉरी उसके घर में पास्टर गए, और वहाँ पे एक फायर प्लेस था जहाँ पे लकड़ी जहाँ पे कोयला जलाया जा रहा था रूम गर्म करने के लिए। एंड काफ़ी देर तक कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, यू नो, क्या बात करेगा। उसको भी मन में मालूम है, पास्टर पूछेंगे क्यों नहीं आ रहे हो, और पास्टर भी डायरेक्टली पूछने नहीं मांगते हैं, लग जाएगा। तो दोनों चुप हैं, तब पास्टर क्या किए कि वो चिमटा को लिए जिससे कोयला में डाला जाता है, और एक कोयला को निकाले और साइड में रख दिए, और धीरे धीरे करके वो जो कोल था ऑरेंज से लेके फाइनली ब्लैक हो गया। आग पहले हट गया, तब ऑरेंज से लेके फाइनली ब्लैक हो गया। वो समझ गया, यू लीव फेलोशिप, दैट इज व्हाट हैपेंस। यू आर कोल, नेचुरली यू विल बिकम ब्लैक, नेचुरली ठंडा हो जाओगे। यू डोंट नीड टू डू एनी थिंग ठंडा होने के लिए, बस जहाँ पे आग है वो जगह से हट जाओ, ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाओगे। ऑटोमेटिकली पाप का छल धोखा वो करेगा करेगा। नहमाया 10:39, नहमाया के रिवाइवल के समय में वो लोग जब परमेश्वर के साथ फिर से वाचा बांधे, वो आखिरी चीज़ वो लोग जो वाचा में लिखे थे, निदान हम अपने परमेश्वर के भवन को ना छोड़ेंगे, लास्ट लाइन, हम अपने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। ये सब चीज़ से सेल्वेशन, फेलोशिप एंड चर्च, डोंट विड्रॉ, डोंट विड्रॉ। दीज आर सेफ्टी नेट्स, दीज आर सेफ्टी नेट्स, क्योंकि शैतान सबको परखने वाला है। चर्च, वाई इज चर्च अ सेफ्टी नेट? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं इस चट्टान पे अपने कलीसिया को बनाऊंगा और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। सो व्हेन यू आर टेम्प्टेड, आई हैव बीन इन द पॉइंट ऑफ टेम्प्टेशन, जब फाइनली आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अप ऑन फेथ, एंड दैट इज जस्ट आफ्टर रिवाइवल, जस्ट आफ्टर रिवाइवल, जस्ट आफ्टर सोल विनिंग। एक कॉलेज से निकले थे जहाँ पे बहुत आत्मा बचे थे, बहुत परमेश्वर काम किए थे, बहुत लोग ट्रेन हुए थे, बहुत लोग प्रभु में आए थे अलग अलग जगह से। उसके बाद एक दूसरा कॉलेज गए, एंड द फर्स्ट सेमेस्टर वॉज सो बैड, जो जो चीज़ सब पढ़ाया जा रहा था, जो जो चीज़ सब सिखाया जा रहा था, वो सो बैड, इतना कि फाइनली मेरा फेथ टूट रहा था। पाप की वजह से नहीं, थ्योरीज के वजह से, विचारधारा के वजह से, वो सब चीज़ों के वजह से फेथ टूट रहा था। बट नहीं, हम स्टिल आई विल प्रेस ऑन। बाइबल लिखा है ना फिलिपियों का 3:12 में, प्रेस ऑन लिखा हुआ है। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, राइट? बैप्टिज्म लेने का मतलब नहीं पा चुके हैं, नहीं, या सिद्ध हो चुका हूँ, नहीं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। इन इंग्लिश में लिखा हुआ है दैट, बट आई फॉलो आफ्टर, आई प्रेस ऑन। आई लाइक द ट्रांसलेशन ESV में जो लिखा हुआ है, प्रेस ऑन। प्रेस ऑन इज लाइक कोई वहाँ से, इट्स लाइक यू सी दोज गेम्स जिसमें रेसलिंग में यू सी कि जब रेसलिंग मैच शुरू होता है, राइट, दो ठो पहलवान है और दो लोग दोनों अपना हाथ को पकड़ते, एक दूसरे का हाथ को पकड़ते हैं, एंड वॉट आर दे डूइंग, वो लोग एक सर्कल में खेल रहे हैं, राइट, एक सर्कल है ओलंपिक गेम्स में, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिंग ऑन। वो उधर से फोर्स लगा रहा है और ये इधर से फोर्स लगा रहा है, और जो इसको उधर कर देगा, लाइक इन सुमो रेसलिंग ऑल्सो, जो इसको उधर से उधर कर देगा, दैट पर्सन विंस, और वो आउट हो जाएगा। एंड पॉल इज सेइंग, आई नीड टू गेट टू दैट साइड, हमको, आई हैव टू प्रेस ऑन। शैतान उधर से टेम्पटेशन ला रहा है, फ्लैश उधर से टेम्पटेशन ला रहा है, संसार उधर से टेम्पटेशन ला रहा है, आई हैव टू प्रेस इट आउट, आई हैव टू प्रेस इट आउट, और हमको वो थामना है जो परमेश्वर ने ले रखे हैं। दैट्स वॉट आई हैड टू डू। हम पास्टर के पास गया था, एंड आई सेड, पास्टर आई एम रियली, मेरा माइंड इतना कन्फ्यूजन है, इतना क्वेश्चन आ गया है, ये सब वो सब हो गया। एंड पास्टर जस्ट सेड कि यू कीप फाइटिंग, डोंट गिव अप,
He didn't give me an answer for all of my 101 questions. And I knew he will be a waste of his time also. But he just said, don't give up. Why? Because Mati ka 24 ka 13 mein likha hua hai jo hum log padhe, he who endures till the end shall be saved. Matlab victory hai. जय परमेश्वर देंगे, यहोवा की ओर से है, लेकिन उसके लिए जो अंत तक लड़ेगा, और अगर हम पहले छोड़ देते, पहले लड़ाई छोड़ देते तो हार जाते, लेकिन हम जीत नहीं पा रहे. डोंट स्टॉप फाइटिंग. इफ यू फाइट टिल द एंड यू विल विन. विक्ट्री इज गारंटीड. ये गारंटीड नहीं है कि तुम अंत तक लड़ोगे कि नहीं, ये भी गारंटीड है, परमेश्वर विश्वासयोग्य है, लेकिन डोंट स्टॉप फाइटिंग. गिरते हो उठो लड़ो, गिरते हो उठो लड़ो. एक आई वाज टेलिंग आई थिंक अलीशा को बोल रहे थे, जब भी कोई हमको कहता है कि यू नो लाइक स्ट्रगल कर रहे हो, नहीं रहा है, गिर रहे उठ रहे, इट्स लाइक लेट से जूड एंड अनिश, ठीक है, बोथ साइज इज ऑलमोस्ट सेम, बट जूड इज स्ट्रॉन्गर देन अनिश बिकॉज आई नो हिज स्ट्रेंथ. Right. Jude is stronger than Anish. Okay. But what if Anish joins Tata mein jo boxing and wrestling hota hai, wahan pe he joins, right? And world champion wahan pe hai ek aadmi. And wo Anish ko har din uske saath ek wrestling match karta hai. Anish ek bhi bar jeetega usse? Haan? Nahi, koi chance nahi hai. But agar 5 महीना 6 महीना हर दिन उसके साथ मैच लड़ रहा है और आँख मार खा, सब जगह मार खा रहा है, सब बॉडी का हर एक पार्ट दर्द दे रहा है, राइट, बट ही स्टिल गेटिंग अप, स्टिल फाइटिंग, हर दिन लौट रहा है टू द रिंग, आई एम रेडी, जो भी दर्द दे रहा है हर दिन लौट रहा है. यू नो वॉट हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, जो भी 180 days, राइट, 180 days ही हैज लॉस्ट 180 times. नाउ If he fights with Jude, he'll easily win. Why? 180 losses hua hai. How can he win? Because his body grew stronger and started adapting. Jo bhi isse maar kha raha hai, he's getting lost with the world champion, but he's stronger than what he was before. He's much more well trained. Why? Because he didn't give up. At pehla din maar kha ke nahi hoga, chhod. Then he would still be at that weak level jitna wo tha, but because he chose, doesn't matter if I keep losing, I will still land up in the ring, I will not stop going to the ring, I will not stop going to for training, I will not stop, I will not quit. Hum discouraged nahi honge, depressed nahi honge, faith rakhenge, chahe haarenge fir bhi faith rakhenge, faith nahi tootega, sharir toot jaye faith nahi tootega, he will become victorious. That is what God says. I will give you victory. Guaranteed. क्योंकि शैतान को, शैतान परमेश्वर के हाथों में. But now training. Go through it. चाहे जितना भी हारना पड़े. Don't lose your fight. Don't stop fighting. You have to fight more. You know. And this is what we call applied spiritual growth. जिसमें like you reach अपने लाइफ में, यू नो लाइक यू हैव स्टार्टेड रीडिंग द बाइबल, गोइंग टू चर्च, ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर अ पॉइंट विल्डरनेस में यू रीच अ प्लेटो. यू नो व्हाट अ प्लेटो इज, राइट, हिल इज लाइक दिस, ओके, वैली इज लाइक दिस, प्लेटो इज फ्लैट, राइट, इट्स फ्लैट. तो दिस फ्लैट लैंड्स आर वेरी गुड, वहाँ पे बहुत कुछ बना सकते हैं, ऑल दैट, बट द थिंग इज कि यू रीच अ पॉइंट इन योर लाइफ वेयर स्टैगनेंसी आ जाता है कि प्रभु हम बढ़ नहीं रहे. दैट इज द पॉइंट व्हेन यू हैव टू रियली अप्लाई योर सेल्फ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ. इट्स लाइक यू सी दिस बिग SUVs, बड़ा बड़ा गाड़ी, जीप सब, राइट, वो सब जब कोई स्लश या कोई कीचड़ में घुस जाता है, एक तो स्विच है वहाँ पे, 4-व्हील ड्राइव, उसको जब वो लोग ऑन कर देते हैं ना, तो आगे का 2 चक्का जिसमें पावर नहीं था, पीछे का चक्का इंजन चलाता है. यू ऑल हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट लेट मी टेल यू, पीछे का चक्का को इंजन चलाता है, आगे का चक्का सिर्फ रोल करता है, राइट. अचानक से 4-व्हील ड्राइव जब ऑन हो जाता है, आगे का चक्का भी इंजन से कनेक्ट हो जाता है, तेल ज़्यादा जल रहा है,
नो प्रॉब्लम, लेकिन गाड़ी में और पावर आ गया है। एंड देन दे गेट आउट जहाँ पे भी फंस गया था वहाँ से। सो व्हेन यू आर स्टक एक प्लेटो में या ऐसा कीचड़ में, यू नॉट एबल टू गेट आउट, यू नीड टू पुट ऑन योर फोर व्हील ड्राइव, यू नीड टू प्रेस ऑन, यू नीड टू प्रेस ऑन एंड नॉट गिव अप। वहाँ पे अगर फेथ है तो यू विल प्रेस ऑन, अगर फेथ है यू विल नॉट गिव अप, यू विल अप्लाई योर सेल्फ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हेन यू गो टू अ जिम एंड वहाँ पे यू स्टार्ट ट्रेनिंग यू नो विथ वेट्स, तो पहला दो तीन बार व्हेन यू लिफ्ट योर योर यू लिफ्ट द वेट्स, यू लिफ्ट डंबल्स, ठीक है, पहला दो तीन बार करेंगे तो पहली बार तो इट्स लाइक बस तुम लोग का जॉइंट खुल रहा है, कुछ मसल नहीं बनेगा पहला, मतलब सपोज यू आर लिफ्टिंग 10-30 times, 10x3, तीन तीन बार, राइट, 10-10-10, तो पहला दो तीन बार जब कर रहे हो ना तो कुछ नहीं बनेगा, इट इज़ जस्ट तुम्हारा जॉइंट खुल रहा है। एंड तब 5-6 बार के बाद खून बह रहा है अंदर में, बट 8-9-10 जो रेप नंबर, रेपिटेशन नंबर 8-9-10 रहेगा, वहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा मसल बन रहा है। इट इज़ नॉट इन द 1-2-3-4-5-6-7, इट इज़ इन द 8-9-10, जब एक्चुअली तुमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है उठाने के लिए, वो लास्ट फ्यू रेपिटेशंस में ही तुम्हारा मसल बनता है। पहले का जो है वो सब वो सिर्फ जॉइंट को फ्री करने के लिए और खून को अंदर दौड़ाने के लिए, जो लास्ट फ्यू रेपिटेशंस है उसी में बनता है स्ट्रेंथ। नाउ द पॉइंट इज, अरे नहीं नहीं अभी दर्द कर रहा है छोड़ दिए, तो इट्स यूजलेस इफ यू रीच अप टिल पॉइंट नंबर 7, रेपिटेशन नंबर 7, एंड बोले अरे नहीं अब दर्द हो रहा है छोड़ दिए 8 में, नहीं अभी मुश्किल हो गया नहीं कर पा रहे हैं छोड़ दिए 8 में, नहीं, दैट इज द टाइम यू हैव टू प्रेस ऑन एंड से नहीं आई लिफ्ट इट 3 more times एंड देन यू बिकम स्ट्रॉन्गर। दैट इज हाउ यू अप्लाई स्पिरिचुअल ग्रोथ, दैट इज हाउ यू अप्लाई स्पिरिचुअल ग्रोथ, कि जब स्ट्रगल हो रहा है व्हेन यू स्टॉप देन यू हैव टू डू मोर। लाइक जब पढ़ रहे हैं याद नहीं हो पा रहा है या आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट डू यू बाई गाइड्स, यू बाई क्वेश्चन बैंक्स, यू गो फॉर ट्यूशन, राइट, यू अप्लाई योर सेल्फ इवन मोर, यू शिफ्ट गियर्स कि नहीं हमको कुछ तो करना है, आई विल नॉट गिव अप इन लाइफ। वैसे ही प्रेयर में, यू नो, अरे हम प्रेयर करते मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है, गो फॉर प्रेयर मीटिंग्स, लाइक यू विल सी इन योर केसेज ऑल्सो यू विल सी कि जब तुम लोग प्रेयर कर रहे हो शायद पहला 5 मिनट तुम लोग का मन बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, पहला 10 मिनट तुम लोग का मन इधर उधर है, कीप प्रेइंग, मे बी द लास्ट 10 minutes आउट ऑफ 30 minutes और आउट ऑफ 20 minutes, लास्ट 5 minutes यू आर रियली प्रेइंग, बाकी पहला 15 मिनट वॉज इधर उधर दिमाग सब जगह जा रहा है, एंड वो लास्ट 5 मिनट्स में तुम लोग का रियल प्रेयर हुआ। वचन पढ़ रहे हैं मन इधर उधर हो रहा है, डोंट वरी, बाय कॉमेंट्रीज, बाय बुक्स, जैसा तुम लोग गाइड दिए वॉट एवर जो भी वो सब करो, एंड कीप डूइंग इट, प्रेयर करो, कीप डूइंग इट। मेरा भी मन इधर होता है, दैट्स व्हाई आई टेक कॉफी, ताकि हम फोकस कर सके, व्हाई आई हैव टू प्रेस ऑन, क्या है अभी मन नहीं हो रहा है छोड़ दो बंद कर देते हैं, नो यू हैव टू प्रेस ऑन। हाउ मेनी टाइम्स हम पढ़ते पढ़ते बस सो गए, यू थिंक नहीं हमको नींद नहीं आता है, यू थिंक मेरे लिए स्वर्गदूत बैठा हुआ है टेबल के ऊपर हमको समझाने के लिए, हमको दिखाई दे रहा है स्वर्गदूत, नो, यस इट इज़ अ स्ट्रगल, बहुत बार नींद आता है, बट यू हैव टू प्रेस ऑन। You have to press on, even in praise and worship. You have to press on. Nay, I will still worship God. I will still sing. You know, and after that's how you push hard. You know, you join the prayer time. You buy books to help you with the Word of God. You join the sound team, worship team, whatever. Why? Because you have to keep checking your spiritual growth. Taki overconfident na bano. You know, you get into these things. Taki you do more. Taki you keep a check on yourself. ताकि यू कैन प्रेस ऑन, नो, ठीक है, चल लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि चाहे जो भी परीक्षा है आप विश्वास योग्य रहेंगे प्रभु, एंड हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम साहस ना छोड़े, ना तो डरे, लेकिन विश्वास से प्रभु आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद पिता, आपका लोग यहाँ पे हर एक पे छिड़कते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।